हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, और ये सरकारी भर्ती रहेगी जहां पे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य बहुत से पद होंगे जिसकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप इसकी तैयारी करते रहे दोस्तों, और ये गवर्नमेंट वैकेंसी रहेगी, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी रहेगी। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालिएगा और इसकी तैयारी करते रहेगा। इसका कब आने वाली है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। हम देखते हैं, देख सकते हो कि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये है 28 मई की, ये इंदौर की है। और 28 मई को इसमें जो हेडिंग थी, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर जाएंगे 2000 से अधिक पद, और ये दैनिक भास्कर न्यूज़ में आया हुआ था, ये सारी डिटेल थी। उसी प्रकार आज 30 मई है और 30 मई को भी इसी हेडिंग के आधार पर आया हुआ है। मैं आपको 30 मई की जो आई थी उसकी जानकारी दे रहा हूँ। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो न्यूज़ आई है ये 30 मई की है, मतलब ये आज ही की न्यूज़ है दोस्तों इसमें। और यहाँ से आप देख सकते हो तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 8 और 9 अगस्त को परीक्षा होगी इसकी। और जो ये परीक्षा होगी ये व्यापम पीबी के द्वारा होगी। दो साल के लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेज व उनके संबद्ध अस्पतालों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त करीबन 2000 से अधिक पदों को भरेगी। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी, मतलब व्यापम, पूर्व में जो व्यापम था वो है, उसके थ्रू 8 और 9 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। मतलब इसमें 8 और 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगी इसमें। परीक्षा के बाद बोर्ड अगस्त के तीसरे सप्ताह में मेरिट लिस्ट जारी करेगा ताकि चयनित आवेदक को समय पर ज्वाइनिंग मिल सके। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज व उनके संबद्ध अस्पतालों में फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, बुक लिफ्टर अटेंडेंट सहित विभिन्न श्रेणी के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 2000 से अधिक पद पर रिक्त है। मतलब करीबन 2000 से अधिक पद ऐसे हैं जो रिक्त है। कोविड के कारण, जो कोविड-19 अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, अस्पतालों में काम का दबाव अधिक है, इसलिए प्रदेश सरकार इन पदों को भरने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है, मतलब मुख्यमंत्री जो है उनने इनको भरने की अनुमति दे दी है। और आप इनकी वैकेंसी आने वाली अगस्त में और 8 और 9 अगस्त को इसकी एग्ज़ाम होगी दोस्तों। उसी प्रकार आप आगे और देख सकते हैं कि आरक्षण के मसले और कॉलेज स्तर पर सिफारिश के कारण टल रही थी भर्ती। मतलब क्या होता है कि जो अभी आरक्षण बता रहा था ओबीसी का और 27% देना है या नहीं देना है, उसी के आधार पर कॉलेज और जो कॉलेजों में होती है उसके आधार पर, कॉलेजों के आधार पर नहीं होगी ये पीबी एग्ज़ाम लेगी इसकी। और दिसंबर 2019 में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद मार्च 2020 में सत्ता वापस भाजपा के आने के बीच के अंतराल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका गठन क्लास 3 व क्लास 4 के रिक्त पदों भर्ती के लिए किया गया था, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। ओबीसी तथा आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के विवाद के कारण कोई भी विभाग भर्ती के पचड़े में नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा कॉलेज स्तर पर भर्ती में सिफारिशों के कारण अफसर घबरा रहे थे, वे भर्ती के विवाद से बचना चाह रहे थे। तो दोस्तों भर्ती सीधी बात में एके भदौरिया है, एग्जाम कंट्रोलर पीबी है, ऑनलाइन ही आयोजित होगी परीक्षा। इसमें पूछा गया है कि ये जो परीक्षा होगी कैसे होगी, मतलब ऑनलाइन आयोजित होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी। 1.5 से 2000 के लगभग पदों पर भर्ती परीक्षा 8 व 9 अगस्त 2020 को आयोजित की जाएगी। आरक्षण रोस्टर व भर्ती नियम मिल गया। हाँ, आरक्षण रोस्टर व भर्ती नियम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तो प्रस्ताव आने शुरू हुआ।
परीक्षा ऑनलाइन होगी या सेंटर पर? परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा तथा सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम आने वाली है ये करीबन मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें करीबन 2000 पदों पर भर्ती होगी और आप इसकी तैयारी करते रहे, ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, आप इसका फॉर्म फिल ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।